यदि रोजवेली में आपका रोजवेली कंपनी में आपका पैसा फंसा हुआ है और आप रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आ गए हैं। अभी प्रोसेस चालू है रोजवेली की, जो कि पैसा रिटर्न कर रही है और 1200 करोड़ रुपए रिटर्न हुआ है इससे पहले, और अभी प्रोसेस चालू है तो आप सही जगह पे हैं। आप पूरा वीडियो देखें कि किस तरह से प्रोसेस हो रही है। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आप वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन के घंटे को और से प्रेस कर लें और वीडियो पूरा वॉच करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जिन लोगों का पैसा रोजवेली में फंसा हुआ है वो रिटर्न हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम में जाकर के आप rosevalleyadc.com, ये ओपन हो गया। रोजवेली एसेट्स डिस्पोजल कम्युनिटी, यहाँ पर जाकर के आप पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। ये अगला पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर जाकर के होम, बैकग्राउंड, अबाउट, कम्युनिटी, कंपनीज, न्यूज एंड नोटिफिकेशन, इन्वेस्टर और अपलोड, ये ऊपर आप देखेंगे कि अपलोड सेक्शन में है। यहाँ पर आप हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। सभी लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ सभी भाषाएं दी हुई है। आप अपनी भाषा में सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में सिलेक्ट करता हूँ। इंग्लिश में जाकर इंग्लिश सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे। यहाँ मैंने क्लिक किया। अब इन्वेस्टर यदि है आप तो इन्वेस्टर में क्लिक करेंगे। ये नीला डॉट दिखाई दे पड़ रहा होगा आपको। यहाँ नॉमिनी का फॉर्म भरेंगे तो नॉमिनी में जाएंगे और अदर्स का है तो अदर्स में फॉर्म भरेंगे। यदि अगर से इन्वेस्टर की डेथ हो चुकी है और नॉमिनी के नाम से फॉर्म फिलअप करना है तो नॉमिनी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यदि अगर से कोई दूसरा भर रहा है, फॉर्म फिलअप कर रहा है तो सबमिट करेगा, तो अदर्स पे जाकर के सबमिट करेगा। ठीक है, ये मैं इन्वेस्टर का डाल रहा हूँ तो इन्वेस्टर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कंपनी का किस प्लान, कौन सा प्लान लिया है, कंपनी का कौन सा प्लान लिया था आपने, वो प्लान डालेंगे। ये यहाँ पे सारे प्लान डले हुए हैं कंपनी के, जितने भी प्लान थे रोजवेली के ये सारे डले हुए हैं। मैंने होटल एंड एंटरटेनमेंट का प्लान लिया हुआ था, ये होटल एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड डाल दिया है। अब यहाँ फर्स्ट इन्वेस्टर कौन था जिसके भी नाम पे था वो डालेंगे। फिर सेकंड में यहाँ एज दिया हुआ है, यहाँ उसकी उम्र कितनी हो रही है अभी तक वो उम्र डालेंगे और यहाँ जेंडर डालेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि जो भी कॉलम में ये बार में रेड कलर की लाइन दी हुई है पट्टी, ये पट्टी का विशेष ध्यान रखेंगे। यदि अगर से जिसमें जिस बार में ये लाल कलर में दिया हुआ है वो फिलअप करना अनिवार्य है, और जिस पट्टी में कोई लाल कलर का सिंबल नहीं दिया हुआ है उसको नहीं भी भरेंगे, आप नहीं फिलअप करेंगे चलेगा। तो यहाँ फर्स्ट इन्वेस्टर का नाम डालेंगे, यहाँ सेकंड में एज डालेंगे, यहाँ जेंडर में मेल, फीमेल या अदर्स जो भी है वो डालेंगे, यहाँ फोन नंबर आप अनिवार्य रूप से डालेंगे, फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है डालेंगे, नहीं डालना है वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई करेंगे तो ये पॉपअप आएगा इस टाइप से, फिर यहाँ ओके कर देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने तो कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया है इसलिए ग्रीन नहीं हुआ। अब इसके आगे आइडेंटिटी
प्रूफ आइडेंटिटी में क्या दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, पासपोर्ट दे रहे हैं या वोटर आईडी दे रहे हैं, जो भी डाटा दे रहे होंगे आप तो वो फिलअप करेंगे। इसके आगे सेकंड इन्वेस्टर मतलब नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं, यदि फर्स्ट इन्वेस्टर जीवित है तो नॉमिनी का नाम डालेंगे, उसकी उम्र डालेंगे, उसका जेंडर डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर आप अपना भी दे सकते हैं या किसी का भी दे सकते हैं। फिर आइडेंटिटी टाइप, उसका आइडेंटिफाई आइडेंटिटी टाइप में उसका जो भी है आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड कुछ भी सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ नेम ऑफ द फादर्स नेम या हस्बैंड नेम या ये डालेंगे, हस्बैंड फादर्स नेम ये डालना होगा। फिर यहाँ उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। फिर यहाँ स्टेट मतलब स्टेट में आपका जो मार्क है, मंदिर है आपके घर के पास में, कोई गुरुद्वारा है, चर्च है या कोई रोड है, जो भी है आपके नज़दीक में घर के पास में, वो डालेंगे इस मार्क। फिर आपका विलेज है, टाउन है, सिटी है, यहाँ विलेज टाउन सिटी जो भी आता है आपका वो डालेंगे। यहाँ पास पोस्ट ऑफिस डालेंगे, यहाँ पुलिस स्टेशन कौन सा आता है आपका ये डालेंगे। फिर यहाँ स्टेट डालेंगे, यहाँ सभी स्टेट के नाम दिए भी हैं, जिस भी स्टेट से आते होंगे वो स्टेट डालेंगे। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालेंगे मतलब जिला डालेंगे आपका, और यहाँ पिन कोड नंबर जो आता है आपका पिन कोड नंबर डालेंगे। फिर यहाँ बैंक, आपकी कौन सी बैंक में खाता है, अकाउंट किस बैंक में है, वो बैंक का एक नाम डालेंगे। सारी बैंक मतलब सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी बैंक है आपकी वो डालेंगे। फिर यहाँ पे ब्रांच आपकी कहाँ पे है, ये ब्रांच डालेंगे, ब्रांच का नाम। फिर यहाँ कॉलम में लाल लाइन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, या तो फिर ब्रांच का कोड है, कोड डाल सकते हैं, और नहीं तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ सेविंग अकाउंट, जिस बैंक में तो सेविंग अकाउंट है उसका सेविंग अकाउंट का नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर। फिर यहाँ MICR ऑफ द बैंक यहाँ छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी नंबर जो होता है, अकाउंट नंबर जैसे, तो वहाँ सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे, बॉन्ड में आपके नंबर दिया होगा वो नंबर डालेंगे। यहाँ नेम ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर का नाम डालेंगे यहाँ। फिर यहाँ डेट डालेंगे, कौन से सन में आपने पॉलिसी लिया था वो पॉलिसी डालेंगे, जैसे 20 में लिया था, 18 में लिया था, 15 में लिया था, 12 में लिया था, जो भी, और अब तक के नहीं मिला है तो ये आप सन डालेंगे और डेट डालेंगे जिस डेट में आपने पॉलिसी लिया था वो। और फिर यहाँ कितना अमाउंट था, कितना इन्वेस्ट किया था आपने वो डालेंगे। इसके बाद में फिर मैच्योरिटी की डेट डालेंगे, डेट ऑफ मैच्योरिटी। इसके बाद में अमाउंट रिसीव्ड, आज तक के आपने कंपनी से कोई पैसा लिया है या नहीं लिया है, तो यहाँ जीरो लिख देंगे, जैसे कि मैं जीरो लिख देता हूँ, ये जीरो लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे आपने डाले थे वही अमाउंट यहाँ डाल देंगे। फिर आगे अमाउंट यहाँ पे भी वही अमाउंट डाल देंगे जो यहाँ पे डाला था आपने। और इसके बाद में कंटिन्यू फॉर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा और फिर अगला पेज खुल जाएगा जो कि आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो आइए अगला पेज भी हम दिखाएंगे
जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता है।